खबर मुंबई से, जहां पर जंगल पर दंगल मचा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुंबई में आरे कॉलोनी में लगे पेड़ों को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो मेट्रो परियोजना से जुड़ी पार्किंग शेड बनाना चाहती है। इस बीच शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मेट्रो के अधिकारियों पर जोरदार निशाना साधते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। कंक्रीट की मुंबई में सुकून की छांव वाली आरे कॉलोनी, हरे भरे वृक्षों वाली आरे कॉलोनी, मुंबई को साफ हवा से भरने वाली आरे कॉलोनी, न जाने किसकी नजर लग गई। अब यहाँ आरी चलने लगी, एक एक कर हरे भरे विशाल दरख्त गिरने का शोर है। बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका खारिज होते ही प्रशासन पेड़ों पर टूट पड़ा, एक एक कर पेड़ काटे जाने लगे। विरोध हुआ, इंसाफ की लड़ाई बाकी है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है, लेकिन इससे पहले ही पेड़ों को गिराने की साजिश जमीन पर उतार दी गई। चुनावी मौसम में इस शोर की अहमियत बढ़ गई। महाराष्ट्र में आधी हुकूमत करने वाली पार्टी शिवसेना कटाई से भड़क गई। आदित्य ठाकरे ने आरोपियों को पीओके तक भेजने की बात कह डाली। दिस इज एब्सोल्यूट शेमफुल बिहेवियर फ्रॉम द एमएमआरसीएल। दीस अथॉरिटी शुड बी सेंट टू पीओके टू गेट रिड ऑफ टेररिस्ट कैंप्स देन गेट रिड ऑफ आवर इकोसिस्टम। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पेड़ों की कटाई पर आग बबूला दिखाई दिए थे, लेकिन सवाल उठता है कि बात बात पर उग्र आंदोलन करने वाली शिवसेना सिर्फ बयानबाजी का सहारा क्यों ले रही है? अगर वो इसका विरोध कर रही हैं, तो वो शिवसेना के स्टाइल में क्यों नहीं दिखता? I am not talking about this being a political game. It is about Mumbai. I appeal to all the party workers to stand by RA. Now they've cut the trees with such dictatorial powers, but we need to declare it as a forest. That plot has to be given back to the people. Government plot is not the authority of one single authority. It is belonging to the people. The people have to be heard. कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी मौके पर पहुंचकर विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है। कुछ देर बाद फिर नया जत्था विरोध करने पहुंच जाता है। यानी मंडे तक सुप्रीम कोर्ट खुलने तक पूरा सफाया कर डालने का ये सरकार ने तय किया है। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी रूल लागू हो गया है। ऐसा लगता है कि एकदम तानाशाही व्यवस्था आ गई है। इस तानाशाही व्यवस्था, जबरदस्ती, गुंडागर्दी और पेड़ काटने के लिए लोगों की जिंदगी को तबाह करने का जो अभियान चल रहा है मेट्रो वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से, मैं उसके निंदा और निषेध करने के लिए और एक्टिविस्टों के और मुंबईकरों के साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब एक तरफ पेड़ों को बचाने के लिए जुटे लोग हैं और दूसरी ओर मुंबई शहर में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए सरकार तैयार बैठी है। पेड़ों को काटने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशीनें लाई जा रही हैं। 24 घंटे में सैकड़ों पेड़ गिरा दिए गए। विरोध करने वाले जेल भेजे जा रहे हैं। सौरभ वक्तानी और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।